विंध्य क्षेत्र में पहली पदस्थापना में आए रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर के 18 माह के कार्यकाल के बाद इनका स्थानांतरण जबलपुर के विशेष बल के लिए हो। इन 18 माह के कार्यकाल में जहां उन्होंने रीवा, सतना एवं चित्रकूट में दहशत का पर्याय बन चुके दस्यु गैंग के ताबूत पर अंतिम कील बने और दस्यु गैंग बबली कोल एवं लवलेस कोल का सफाया कर क्षेत्र को दहशत मुक्त किया, वहीं गांजा, शराब एवं कोरक्स के तस्करों की कमर तोड़ दिया और उनके बुने हुए सारे नेटवर्कों को ध्वस्त किया। इस दौरान करोड़ों की तस्करी को भी विफल किया। वहीं जनता को पुलिस का विश्वास जगाने जनता दरबार, डायल 100 सहित अन्य कार्यों को भी प्रभावी बनाया। जिले में बढ़ रहे अपराधों पर भी अंकुश लगाने में सफल रहे। वहीं जन सुनवाई पर भी दखल दे आंकड़ों को नीचे लाया। प्रस्तुत है पत्रकारों से रीवा कार्यकाल को लेकर की गई वार्ता के अंश। देखिए, रीवा जोन में मेरी, रीवा विंध्य क्षेत्र में मेरी ये पहली पदस्थापना थी। मैं इससे पूर्व कभी विंध्य क्षेत्र में पदस्थ नहीं रहा, लेकिन मुझे पहले ही दिन से कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अनजान जगह पे हूँ। यहाँ का जो रहन सहन है, जो बोलचाल है और जो यहाँ की सामाजिक संस्कृति वगैरह है, वो हमारे गृह राज्य से काफ़ी मिलता जुलता है। और इसके अतिरिक्त मुझे यहाँ के लोग बहुत ही सजग, सतर्क, बुद्धिजीवी और कानून के रास्ते चल करके अपना काम कराने में विश्वास करते हैं। लोग धक्के खाते थे यहाँ से वहाँ, इस कार्यालय से उस कार्यालय। पूरे एक साल में 7,000 से ऊपर मिसलिनियस कायमी बढ़ा दी। उससे रीवा जिला और पूरा संभाग जो शिकायतों के मामले में अव्वल रहता था, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत में अव्वल रहता था। जब मैं आया था तो 3300 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में पेंडिंग थी, आज वो महज 300-400 रह गई हैं। इससे न सिर्फ रीवा जिला शिकायतों के निराकरण में ऊपर गया है, बल्कि पूरा का पूरा गृह विभाग का ग्राफ इसमें बढ़ा है। तो ये मैंने किया। और जो कोई भी व्यक्ति थाने में घायल हो के आता है, जिसके शरीर के किसी अंग से रक्त स्राव हुआ है, तो उसको FIR देना अनिवार्य है। इसको मैंने ये लागू किया था। अगर मैं अपने कार्यकाल के उपलब्धियों की बात करूं, तो सबसे बड़ी समस्या जो जोन के अंतर्गत थी, वो सतना और रीवा जिले के जो पठार क्षेत्र है, उसमें डकैती समस्या थी, जिसमें कि हर महीने दो महीने में एकाक अपहरण की घटना या गोली चालन की घटना ऐसी होती रहती थी। और ऐसी एक दो घटना मेरे समक्ष हुई। जब मैं ज्वाइन किया था तो चित्रकूट में दो जुर्मा बालकों का अपहरण हुआ था, बाद में हत्या भी हुई थी। तो ये एक निरंतर एक समस्या बनी रहती थी। और दोनों जिले के SP तो कम, परंतु जो जोन के IG थे, यह उनका काम था कि डकैती से क्षेत्र को मुक्त कराना। मुझे आपको यह बात बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि पिछले साल सितंबर में, जब एक दुर्दांत गिरोह लवलेस कोल और बबली कोल जो लिस्टेड गैंग था, इसने एक ब्राह्मण व्यक्ति की कारीगोही गांव से हरसेर से पकड़ कर ली थी। और उस पकड़ को छूटने के 2 दिनों बाद उसका इनकाउंटर हुआ था पुलिस द्वारा, और उसके बाद आज तक उसके सारे गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं। और पिछले सितंबर 15 की बात है, आज हम सितंबर 21 को बैठे हुए हैं। उस दौरान एक भी कोई डकैती से समस्या, जंगल के में कोई किसी प्रकार के मूवमेंट की समस्या नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में ये ताबूत, जो डकैती समस्या का जो ताबूत है, उसमें आखिरी कील का काम करेगा। और इसके बाद बिल्कुल ही क्षेत्र शांत हो गया है और अब वहाँ पे लोग भयमुक्त तरीके से भ्रमण करने लगे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, तेंदुपत्ता की तुराई समय पे हो रही है, कोई वसूली उनसे नहीं हो रही है और लोग जो है अमन चैन से रात में सो रहे हैं। दूसरी उपलब्धि, रीवा में एक दो संगठित गिरोह थे जो गांजा तस्करी को लेकर के सक्रिय थे, तो बड़े बड़े यहाँ पे सीजर्स हुए हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की जानकारी के ऊपर काम करते हुए, बड़े बड़े कंसाइनमेंट 18 क्विंटल 20 क्विंटल ऐसे के पकड़ाए हैं। कम से कम 12-14 इस तरह के कंसाइनमेंट पकड़ाए हैं जो उड़ीसा से लाते थे। और अभी अगस्त के महीने में सतना ज़िले में, जो इस पूरे क्षेत्र का एक बड़ा सरगना था शराब और गांजा दोनों में, उस अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा, उस पर बड़ी कार्रवाई हुई। 2,22,00,000 रुपया कैश मिला, उसके 22 अन्य सदस्य गिरफ्तार हुए, कई संपत्ति अटैच हुई, उसका मकान तोड़ा गया
और उससे एक बड़े नेटवर्क का ध्वस्त नेटवर्क ध्वस्त हुआ है और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र में जो मादक पदार्थ की बिक्री और उसका संचालन से में रोक लगेगा। रीवा ज़िले से संबंधित घटनाक्रम की जो कोरोना काल का जो समय था वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था और जहां मैं देखता हूं कि रीवा में ट्रैफिक का पालन करवाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। अगर एक सिपाही एक चौराहे पे है तो कोई व्यक्ति वहां से 10 बार गुजरता है तो 10 बार उसको टोकना पड़ेगा कि भाई साहब आप इधर से नहीं उधर से जाइए, ये नो एंट्री है, इधर से नहीं उधर से जाइए। अगर 10 बार क्या 100 बार है उसी दिन में अगर वो 10 बार आता है तो 10 बार उसको ना टोकेंगे तो वो घुस जाएगा अंदर। कहने का मतलब ये है कि लोग जो कंप्लायंस का लेवल है, जो पालन की जो एक स्तर है शासकीय नियमों का पालन का स्तर थोड़ा कम है, लेकिन जनता के सहयोग से मैंने देखा कि बिल्कुल लोग यहाँ जैसे जागरूक अपने राइट्स के बारे में है तो अपने जान के प्रति भी बहुत जागरूक हैं, दूसरों के जान के प्रति भी बहुत जागरूक हैं। लोगों ने बहुत सहयोग किया और एक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप का स्ट्रीट पे रहा, कहीं कोई वायलेशन नहीं हुआ। इस कारण से यहाँ कोरोना फैलने में वक्त लगा। आप देखिए अगस्त के महीने तक आने तक 10 से ज़्यादा केस किसी दिन नहीं आए, तो ये मैं मानता हूँ कि अगर इस जगह लोगों को विश्वास में लेकर के काम करने की पद्धति डाली जाए तो बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। रीवा के लोगों को मैं यहाँ के लोगों को जो उन्होंने सपोर्ट दिया पुलिस को और जो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है और जो सहयोग किया है, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा और मैं जीवन भर यहाँ के कार्यकाल को याद रखूँगा।